जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है, जिसमें सरकार के निर्देश पर शासन के अधिकारियों को इस आपदा में राहत और बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 62 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। आपदा सचिव ने कहा कि राहत और बचाव के कार्यों के साथ साथ जांच सर्वे के भी कार्य तेज किए जाएंगे, जिसमें विस्थापन को लेकर ACS वित्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इसके साथ मुख्य सचिव रोजाना आपदा के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। कंजेक्चर है कि ब्लास्टिंग के कारण हो रहा है, कोई साक्ष्य कोई एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। पानी निकल रहा है, पानी निकलने के कारण वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके कारण जमीन धंस रही है और क्रैक्स आ रहे हैं। अब आजकल में तो वहाँ पर काम भी बहुत धीमा चल रहा है, क्योंकि अभी जो पानी गया था पिछले साल उसी को निकालने में वो परेशान है। सर, उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण को कब मालूम? मंदिर को तो अभी वहाँ पर ऐसी कोई दरार हमें जानकारी में नहीं आई है, हमें बताया नहीं गया है, लेकिन वो भी उस जोन में है जहाँ पर कि क्रैक्स आ रहे हैं। तो उसकी ये तो हमने तो ये कहा है भाई जल्दी दे दीजिए। अब इनका भी एक तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि बहुत लंबा भूगर्भ में जा रहे हैं आप, तो इतना आसान नहीं होता, उसको भी देखना पड़ता है। तो पूरी मैप तैयारी करनी पड़ती है जो अंदर की है, पूरी इंटरनल। तो इट टेक सम टाइम, बट हमने 15 से 1 महीने का समय दिया है, जो कि हमको मीडियम टर्म में चाहिए स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए। जी, मंदिर है वहाँ पे और जो